कहें ऐसा करिए, दुख के ऊपर तो लगे सोचे बरात वरात कहीं जाए खाना ना खाए, लगे सोचे बस तू क्या करे, नींद आवा हमें 1 बजे हमें देखिए आदमी को जब दुख होता है तो सोचता हम किसी से नहीं कहेंगे, क्या फायदा कह के कर, लेकिन आँख के आंसू ऐसे हैं जो अपने आप चू जाते हैं, मालूम हो जाता है कि आदमी को दुख है। तुमने क्या देखे उसे केतन छिपाई नयन चुई जाला केतन अच्छा यार तू शब्द आंसू भी लिख सकते हैं लेकिन ये नयन चुई जाला ये सब बस आप प्योर है तुम। लाख मन बटोरी परन टर जाला केतन छिपाई नयन चुई जाला केतन लाख प्रण करिए आप हम किसी से नहीं कहेंगे लेकिन ये सुई जाते हैं कहीं गिर भी सकते रह सकते लेकिन ये जो शब्द लगते हैं यार ये गजब का शब्द है। बस यही चीज़ है अपने को भोजपुरी में यही है हम कह देखा तो बल्कि लगिन कहें कि ये आज से 36 साल पहले लिखा था मैंने वो गीत की शुरुआत हमने कहा हम गांव के आदमी थे दिलदार नगर थे पर 63 में लिखी थी गीत तो वो किसान की गीत जो थी हमने कहा भाई अब तो बड़ा परिवर्तन आ गया पहले की किसान की स्थिति क्या थी वही थी गवई कमनई मोर नौमा किसान बा गवई कमनई हम ही जोताई करी हम ही सिंचाई हम ही कटाई करी हम ही मड़ाई दोनों पर न खाए खातिर दोनों जून ठेकान बा गवई कमनई मोर नौआ किसान बा हमारे लहू से बनली कोठा यहूँ अठारी हमारे लहू से बनली कोठा यहूँ अठारी मड़ई में जरत बाट जिंदगी हमारी हमनी के खातिर मालूम दूसर भगवान बाई मोर किसान पानी जब पड़े चूहे मड़ई हमारी भिजी जाला धोती और भिजी जाला कपड़ा जौनो फटहा पुरान बाई कमनई मोर नौआ किसान बा कबहूँ तो रसवो क पड़ी जाला ठाला रस भी ना मिल पावत हूँ खींचे कबहूँ तो रसवो क पड़ी जाला ठाला भूख कज्वाला हमसे सहलो न जाला केतनों पर निकले नाही बेहया परान बा गवई कमनई हमनी के सुखल रोटी केहू के मलाई हमनी के सुखल रोटी केहू के मलाई हमनी के कथरी बाटे केहू के दुलाई हमनी के कथरी बाटे केहू के दुलाई बोला भगवान ई है तोहरो ईमान बा गवई कमनई हवा बहे सन सन माघ पुस के तुसारी माघ पुस खूब तुसार खूब ठंडी लगे हवा बहे सन सन माघ पुस के तुसारी लड़िकन के कपड़ा नाही दहिया उघारी तरतिया के पूरा बाटे दिनवा के घाम बाग वही मने कहीं इतना विचित्र चित्रण किया हमने कहा असली किसान ये हमने कहा उस समय पहले जानते नहीं थे भोजपुरी क्या है गाजीपुर गए तब जाके भोजपुरी सीखे और घर आए बोलने लगे तो कहें कैसी ऐली गेली बोल रहे हैं हमने कहा भाई अभी खड़ी भाषा अवधि बोलते थे लेकिन ऐसी जगह हम है कि सारा भोजपुरी क्षेत्र है इतनी मीठी बोली है कि अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ अब सीख करके कोई ना कोई करेंगे अब वहीं से हमें हृदय में भाव उत्पन्न हुआ भोजपुरी के प्रति कहीं इतना सरस कविता
एक तो हर विषय है सर फिजिक्स के, सर्वा एक ही है, तीर घाट देखे मीर घाट। अब कैसे ही लिखते हो यार, बस गाने में चल जाते हैं, माहौल की बात, कलम चल गई। लेकिन हमने कहा ये सारी गीत लिख देना, हमने कहा आए प्रिंसिपल साहब पुरुषंतपुर के, और बड़े दूर के रिलेशन में आते हैं यहाँ के जोगापुर के, तो पारसनाथ सिंह आरएसएस के आदमी थे, तो यार ये बतावा वही समय आंध्र वो आ रहा है भोपाल का, वो कर कौन गैस कांड, गैस कांड आए, तो कहे कि ये बतावा अभी गैस कांड कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, तो कुछ लिखे हो तो सुनाओ, सुने तो नहीं है लेकिन आज हम सुनेंगे। हमने कहा कि लड़के तमाम फील्ड में बैठे थे, जब मैं बैठ जाता था तो है यार ये तो इतने स्ट्रिक्ट टीचर और इतने नॉर्मलाइज हैं कि क्या बताया सर। हमने कहा देखा रात में तो गैस कांड हुआ और भोर में जौने और देखा वो सब मारा है, न मुर्गी देखा तो मुर्गा देखा था, कौआ देखा तो भैंस भैंस, ये जाए बाबू आज भोर केहू नाही केहू के जगावे, आज भोर केहू हमके पहला कौआ जाके मुड़ेरा बोले थे, यही के हमके देखा मुड़ेरा कहे थे ऊपर छत जौन हो ना उस मुड़ेरा कहे थे, आज भोर केहू नाही केहू के जगावे, मुड़ेरा ने कागा सगुनवा सुनावे, आज भोर केहू नाही केहू के जगावे, मुड़ेरा पर कई कौआ है ने वो के सुनावे सर, ऐसे गीत लिखते लिखते ऐसे ही था ससांग जी छेम जी के लड़के एक गीत लिखे थे और उस पर एक तवायफ थी फैजाबादी है अनिल के बिहार है, वही गए रहे तो दोपहरिया में पहलवा खिचड़ी रहे, तो वकील साहब से कहना चले पे चला था ससांग जी थे बहुत अच्छे गीतकार लिखे, बिनेली गोरी गोहरी अरे ठीक बिनेली गोरी महुआ अरे ठीक दोपहरिया, तब गीत हो गए उसी उसी गीत पर तवायफ नाच रहे थे, हमने कहा क्या ससांग जी महुआ दोपहरिया में नाच हुआ था, क्या भैया आप पकड़ लिए है आप तो जानते हैं आप हमारे पिताजी के शिष्य रह चुके हैं, उनका छेम भी हमको पढ़ाया, एक पल ही जियो फूल बनकर जियो सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी, हमने कहा ये छेम जी की कविता थी, हमने मुझे सिखाते थे, हमने कहा हिंदी हमको उन्होंने पढ़ाया था इंटरमीडिएट में, उसके बाद डिग्री कॉलेज चले गए फिर, तो हमने कहा देखिए अभी सोचे रहे लिखे रहे, तो हमने कहा लिखब हम कहा आप लिख रहे हैं, हमको दोपहरिया में सुबह महुआ फूले थे और वही गिरे थे, अब कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर क्लास रहा लेके आए तो प्रैक्टिकल चला था लड़कियन के हमको बैठे, अचानक हमारे बाउंड्रिया गुदरा से बगलियाँ से निकल जाते हैं तीन चार थे भैंस जाते रहे और बगलियाँ से निकल के चली जाए फील्ड में, तो एक लड़की जो बा बहुत चिथड़ा पिथड़ा पहन के बेचारी एक ही झुआ लेके गोहरी बीने बदे निकल गया, बस पकड़ लिया हमने तो बस थी, बीनेली गोरी गोहरी अरे ठीक दोपहरिया, बीनेली गोरी लिखे और पूरा कपड़े के अंतिम लाइन है जिंदगी जरेली जैसे जरेली गोहरिया, बीने उसकी जिंदगी गोहरी सुलुक के जाती है धीरे धीरे जाती है, तो उस जीवन के विषय में सोचिए कि जो सुलुक जल रहा है अतनी गरीबी है, जिंदगी जरेली जैसे जरेली गोहरिया बीने, और लंबी लाइन है उसे लिख गया ऐसे लिखा, मतलब कलम चल गई तो लिख देता था, और एक तरफ पढ़ा के आ रहा और एक तरफ ये लिखता, हमने खाली इससे हमें बड़ा रेस्ट मिलता था, कम से कम इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट पढ़ाए के फिर बाद फिर थोड़ा सा इस तरह से जीवन जीते चले गए आपने, इसीलिए आज तक आप समझे कि बच्ची से भी कहते हैं सर का बेटा जितना त्याग में फल है सकून है उतना मोह में नहीं,
हमने कहा लोग कहते हैं कि आप घर द्वार कोई छोड़ छाड़ के भाग गए, कीजिए कीजिए मन मन लो एक ले लें, हम कोई मोह नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमारा लड़का बच्चे उसी नेचर के हैं, पापा छोड़िए क्या फ़ायदा, जितने में संतुष्टि तो है हमें, आनंद से पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ आगे जो ही आता कहीं ये अच्छा आश्रम बना लिया, हमने कहा जीवन हमारे एक था कि एकांत वासी हो जाते हैं, हम कहें भगवान की दया से भगवान के शरण में चले जाते हैं, प्रकृति गोद में 4 बजे उठ करके योग करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, इससे बढ़कर सुकून क्या मिलेगा। अब हमने कहा यही कारण है कि हम प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, शरीर जरूर ढल रही है लेकिन मन जो है ये चीज, हमने कहा कभी भी सब कुछ हो आदमी को धैर्य नहीं होना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए, और कुछ भी कर डालिए आप अगर समय नहीं है तो खाली छप दिया कि आदमी परेशान होगा कुछ नहीं, और जो समय आ जाएगा तो वह कुछ ना करे पड़ेगा, ऑटोमेटिक ईश्वर साथ, हाँ ये है आप प्रयत्न करते रहिए, इस तरह सीखेंगे। जा कपड़ा वपड़ा लिया हुआ नहा भाई ले आपको गंगा मैया पे आपने लिखे थे ना चुन मैया का आंचल गंदा हो गया ऐसा कुछ गंगा वाला हाँ वो भी वो सुने कहें कि वो माँ गंगा का हमने कहा दियसीस गंगा माई दुबराई गईनी दे दियसीस गंगा माई दुबराई गईनी पियरी पाई पाई गंगा पियराई गईनी केतने गोदियन के जियरा जुड़ाए देहली पर्यापन आचर देख गंगा मुरझाई गईनी तो चला गंगा यहाँ चरा कचरा हटाई पाप धोई धो गंगा गईनी घर आई चला अचरा कचरा से अचरा तो अस भरी गईनी। एक किनारा होते करार होता किनारा जहाँ पानी जाला और करार ऊपर वाला होला गंगा जी के कचरा से अचरा तो असी भरी गई न नदी के किनारवा करार हो गई न रो रो गंगा कहली बिल खाई चला गंगा अचरा। जब किनारा रहता है तो चकोर एक तरफ चकोरी हमको नेचर का सवाल है, प्रेमी और प्रेसी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन भगवान की कृपा देखिए इस तरह से चकोर एक किनारे रहे चकोर दूसरे किनारे। सांझ भइल ने लौ के न चकवा चकोरिया और चकोर हमेशा चंदा के देखाला, रात भर देखी उठे कि हमारा प्रिय वही है। सांझ भइल ने लौ के न चकवा चकोरिया रतिया के चांद खोजे अपन चित चोरवा रतिया के चांद खोजे अपन चित चोरवा तो चंदा किरीनिया तो गईली कुमिलाई चला गंगा चरा। गंगा जी आते हैं बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़ी ऊंचे नीचे पत्थर आते हैं लेकिन गलती उन्होंने किया है ऊंचे नीचे पत्थर आ गए मारी सही ऐनी और धरती पाते सुखली जिंदगी के जी रहे सुखली जिंदगी के जी रहा जुड़ौनी गलती क्या किया रहिया में पपियन से कैली मिताई चला गंगा मच रास्ते में कितने पापी थे सब आते पपियन के पाप धोई भैली पपीनिया अमृत से बीस होई गईले गंगा पनिया माटी होई गईली उनकर सगरी कमाई चला गंगा चरा। जौने गंगा माई पर देश के गरूर बा वह गंगा माई मोर आज मजबूर आज गंगा लागे जैसे भैली पराई चला गंगा। हमने कहा कि गंगा के पुत्र थे विष्णु पितामह, इतना सशक्त जो है आप समझे कि विष्णु पितामह का चरित्र रहा ये करे पितामह अस जन्म ललनवा जी पितामह इतना वो आदमी उनके पुत्र गंगा जी के पुत्र हैं आज गंगा की हालत हो गई है। जेकरे पितामह अस जन्मे ललनवा
आज झर झर लोर बहे ओ करे नया नवा। तो बन के पिता मह चला लजिया बचाई चला गंगाया। ये प्रदूषण बोली डाले थे। अरे गंगा के किनारे उसमें था एक दरोगा थे किनारे यार, वो भी कवि था बहुत अच्छा। हाँ साहब, तमाम औरतें आई हैं, लेडीज आई हैं, तीन तीन चार चार कॉलेज के जनवा सारी लोग आए हैं गंगा जल किनारे। आग खाली आपके प्रयत्न से इतना बड़ा प्रदूषण। हम रहे कॉलेज में, कुल करा लेकिन जब तक उन्होंने बोला हुआ तमाम लोग की तंग, तब तक हम आ ही गए कॉलेज। एक जगह मोटरसाइकिल साहब दुर्गा साहब बुलाए कि चलो चलते हैं। साहब आपका बड़ा इंतजार था। हमने कहा साहब हमारे कौन से इंतजार, इतने लोग हैं कि ना, यहाँ के लोग कहते हैं कि बिना आपके। तो हमने कहा ठीक है चलिए। और साहब लेडीज जितने जानती थी कि आई गए महाराज साहब, सबके तहलका मचाई दी है। हमने कहा देखा यही जात है, हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ोबे, सैया से कह दे मिला नवा। पियरी बहुत पाए बाटी और सबके आशीर्वाद दे चली गए। आज आशीर्वाद दे दे गंगा की हालत है। क्या बात तो सही करें। हमने कहा अब गीत सुनिए। माइक पकड़े और अपने आवाज में हमने दियसीस गंगा माई दुबराई गहरी। हमारे अवजिया से सबने बतावा थे मुझे, वो जो कहे कि इतना लोच इनकी आवाज में, आरोह अवरोह इनको ज्ञान है, कहाँ किस तरह से होना चाहिए भाषा इस तरह की। ये सबके बात में हम कि भैया हम संगीतज्ञ नाई बाटी, बस इतने भी भोजपुरी बाटी, भोजपुरी से हमको सीखे साके बाटी। तो अपन अपनी भाषा में बोले लगे तो कहें कि आप कुल भाषा बोला था। हम कहें ना जैसी स्थिति रहती वैसा मैं अपने को ढाल लेता। और यही कारण है कि आज ढालते ढालते इस तरह से मैं सुखी हूँ, भगवान की दया से इस तरह से चल रहा है। तमाम गीतें आप तो सुने हैं, तमाम गीतें लिखे हैं, डायरी भरी हुई आए जो है इनके अनीता के वो श्रद्धा के पापा कहेंगे पापा आप दे दीजिए हम प्रिंट करा देते हैं। तो कहिए आए देते तो किताब खुदे लिखा वाला आदमी हमें का प्रिंट दिया। कहने पापा आपको भोजपुरी गीतें अपने ढंग के। हमने कहा ठीक है रखा है, परिवार में कोई उत्पन्न होगा देखेगा ये किसने लिखा था, अपने आप जो इस तरह से ऐसी बात नहीं है, लिख दिया लिख दिया। अब लेखनी चलती थी हमने का देखिए शुरू शुरू में मिश्रा मिश्रा करते शंकर मिश्रा बहुत अच्छा गाय था, लेकिन इतनी अच्छी आवाज थी लगा पीने। उसी ने वो मंगल की गीत थी उसी को गाया था बहिनी हो बीरनवा, जब 65 का युद्ध चल रहा था उसी समय लिखा बहनी हो बीरा नवा दे दे मैया हो लला नवा दे दे, देशवा बचावे खातिर सोने का गहनवा दे दे बहनी हो बीरा न। इतनी अच्छी आवाज़ थी पीने लगा, पीने में चौपट हो गया, टीवी हो गया मर गया। आयल समैया दे दे सगरी कमैया दे दे, नैया भवर में पड़ली चतुर खेवैया दे दे, एतनै बा मंगनवा कई के कठिन परनवा दे दे बहिनी हो। बहुत अच्छी गीत थी, 65 में लिखी गई थी, बहुत अच्छी गीत लिखा। कभी कभी लोग कहते हमने कहा देखा कि मंगल का गीत है, सुने वाले सुन ले अपन गीत ना बा, लेकिन यह है कि चूंकि इस गीत में बड़ा रहस्य है इसलिए कहेगी। सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग भोजपुरी के रहने वाले हैं, कितनों अच्छी गीत लिखे लोग खड़ी भाषा में, लेकिन जब साली भोजपुरी आते तो हृदय को पिघला देते छू जाती। हमने कहा तो है ही है, हृदय है होता है पिघल जाता है। हमने कहा सब कुछ है, सबसे बड़ा सुख यही है। आप समझ रखिए एक घंटे से हम आप बैठे हैं, इससे बढ़ करके सुख संसार में कुछ नहीं। सारी चीज़ों से परे हम लोग दूसरे दुनिया में घूम गए,
ये मिलता है कहीं? कहीं नहीं मिलता आप, इसी के लिए आदमी तरस रहा है। हम आप एक घंटा जो यहाँ बैठ के इस तरह से करें, सारी दुनिया से हम लोग दूर चले गए थे, अब कहाँ कहाँ चले गए। इससे बढ़ करके संतोष और कुछ नहीं होगा, आप तो देखिए। इसीलिए कहता हूँ धैर्य रखिए और समय का इंतजार करिए, और समय का इंतजार क्योंकि आना तमाम आए क्या हो क्या ना हो, बस अपने आप आएगा, आपको हिंट करेगा, बस बसरते आप पकड़ ले उसको, और कुछ नहीं आ जाए। हमने कहा देखिए हम सारे बच्चे हैं, आपको भी उनको भी सब कुछ, हमने कहा इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। आप तो देखिए थोड़ी परेशानी थी, 13 साल के बाद आपने श्रद्धा पैदा हुई थी, इनकी मम्मी हम लोग थोड़ा परेशान थे, बच्चियाँ बिना कोंख की अच्छा नहीं है, लड़की हो लड़के से कोई मतलब नहीं, कम से कम कोंख 13 साल के बाद, हम बार बार कहते हैं हमने घबराने की बात नहीं, समय आया आज प्रफुल्लित है, संतोष दिया था मैंने, हमने कहा धैर्य रखो बेटा, शरीर है संस्कारित हैं, अरे राम राम इतने अच्छे बच्चे निकले, लड़की लड़के से कोई मतलब आज कहाँ से, जमाना बदल गया है, लड़कियाँ बहुत लायक बहुत। या तो आए ना के नाश्ता पानी बना रहे होंगे ना, उसको बताइए, बने थोड़ा सा काम के लिए बस।